प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में हमने इस पाठ के कुछ अंश को पढ़ा था, आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स। मैंने रिमूव्ड, हटा दिया, द रोल टॉप, जो ऊपर का गोल हिस्सा था, कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स। ड्रायर्स मीन होता है दराज, और दराज को खींचा मैंने। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रायर। मैंने रोल टॉप के जो डेस्क था उसके ऊपरी भाग को पूरी तरह हटा दिया और उसके दराज को खींचा, बाहर निकाला। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वीनियर मीन्स होता है लकड़ी पे जो अच्छी लकड़ी की परत चढ़ी होती है, सजावटी लकड़ी। द वीनियर हैड लिफ्टेड, जो सजावटी लकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर की जो परत थी, हैड लिफ्टेड, उठी हुई थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग प्रत्येक स्थान पर। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो लकड़ी के ऊपर परत लगी हुई थी वह सभी जगहों पर उभरी हुई थी, उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक द वाटर डैमेज। इट माने यह लुक्ड माने दिखता था, लाइक वाटर डैमेज टू मी, यह मुझे जल के कारण हुआ नुकसान दिखता था, जल के कारण क्षति दिखती थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे यह प्रतीत होता था, मुझे यह दिखता था कि यह जल के कारण नुकसान हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर रोल टॉल ऑन दिस डेस्क। बोथ, दोनों, फायर एंड वाटर, आग और पानी, हैड क्लियरली टेकन दियर टॉल ऑन, मीन्स डैमेज्ड। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली, दोनों, आग और पानी, अस्पष्ट रूप से, टेकन दियर टॉल ऑन दिस डेस्क, इस मेज को क्षति पहुंचाए थे। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टॉल ऑन दिस डेस्क, दोनों, आग और पानी, समान रूप से, स्पष्ट रूप से, इस मेज को क्षति पहुंचाए थे। द लास्ट टायर वाज स्टक फास्ट। लास्ट टायर, जो अंतिम दराज था, वाज स्टक फास्ट, तेजी से फंसा हुआ था, मजबूती से फंसा हुआ था। द लास्ट टायर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम दराज था वह फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया ऑल, सभी प्रकार से, आई कुड, जो मैं कर सकता था, टू ईज, आसानी से, इट मीन्स इसे, आउट मीन्स निकालने में, जेंटल मीन्स कोमलता से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने इसे आसानी से, कोमलता से बाहर निकालने के लिए अपना जितना प्रयास मैं कर सकता था किया। इन द एंड, और अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट, कठोर, तेज, और अंत में मैंने कठोर बल का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रायर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडर नीथ ए सीक्रेट ड्रायर। आई स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना, मैंने प्रहार किया। इट मतलब इस पर शार्पली, तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपने फिस्ट मीन्स होता हथेली के किनारे से। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपने हथेली के किनारे से इस पर तेजी से प्रहार किया। एंड द ड्रायर फ्लू ओपन, एंड द ड्रायर, और दराज फ्लू ओपन, तेजी से खुला, टू रिवील ए सैलो स्पेस। सैलो मीन्स होता है संकीर्ण, संकरा, स्पेस मीन्स स्थान, अंडरनीथ, नीचे, एंड टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और इसके नीचे एक संकरा स्थान दिखाई दिया। ए सीक्रेट ड्रायर, जो वास्तव में ए सीक्रेट ड्रायर एक गोपनीय, गुप्त दराज था, इसके नीचे एक संकरा स्थान था दिखाई दिया, जो कि एक गुप्त दराज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज समथिंग, कुछ था, देयर मीन्स वहां पर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। आई रीच्ड इन, मैं
अंदर गया था, मैं अपने हाथ को अंदर ले गया एंड टुक आउट ए स्मॉल और एक काला एक छोटा ब्लैक मीन्स काले रंग का टिन बॉक्स टिन के डिब्बे को आई रीच्ड इट एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मैं इस तक पहुंचा और एक छोटे काले टिन के डिब्बे को बाहर निकाला सिलो टैप टू द टॉप ऑफ इट जिसके ऊपर सिलो टैप द्वारा चिपकाया गया था इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर लाइन मीन्स होता है रेखांकित नोट पेपर लिखने का कागज इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर यह एक रेखांकित लिखने का कागज था एंड रिटन ऑन इट और इस पर लिखा हुआ था इन सैकी हैंड राइटिंग टेढ़े मेढ़े हिलते डुलते सैकी कंपायमान हिलते डुलते और टेढ़े मेढ़े रिटन ऑन इट इज सैकी हैंड राइटिंग और इसमें टेढ़ी मेढ़ी हस्तलिखी में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर जिम का अंतिम पत्र रिसीव्ड जो प्राप्त किया गया जनवरी 25, 1915 को जिमीज लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 को प्राप्त किया गया जिमी का अंतिम पत्र टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स टू बी बरीड दफनाया जाए विथ मी मेरे साथ व्हेन द टाइम कम्स जब समय आ जाया था जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम और समय आने पर मेरे साथ ही इसको दफन किया जाए आई न्यू मुझे पता था एज जैसा कि आई डिड इट मैंने किया था दैट कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी यह मेरे लिए गलत था टू ओपन द बॉक्स संदूक को खोलना आई न्यू एज आई डिड इट मुझे पता था जैसा कि मैंने किया था इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स कि उस संदूक को खोलना उस डिब्बे को खोलना मेरे लिए गलत था बट क्यूरियोसिटी लेकिन उत्सुकता गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर मेरे पछतावे पर स्कल्पस मीन्स होता है पछतावा स्कल्पलस बट क्यूरियोसिटी गो टू द बेटर ऑफ माई स्कल्पलस लेकिन मेरे उत्सुकता मेरे पछतावे से अधिक थी इट यूजुअली डज और ऐसा सामान्यतः होता है जब उत्सुकता के कारण व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर जाता है जिसके बारे में उसे बाद में पछताना पड़े फिर भी उत्सुकता के कारण वह कार्य को करता है इट यूजुअली डज और ऐसा प्रायः होता है इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप एनवलप मीन्स होता है लिफाफा इनसाइड द बॉक्स उस संदूक के अंदर डिब्बे के अंदर देयर वॉज एन एनवलप एक लिफाफा था इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप उस संदूक के अंदर उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था द एड्रेस रीड मैंने उसके पते को पढ़ा मिस्टर मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट जो मिसेज जिम मैकफर्सन का था जिनका पता था 12 कॉर्पेट बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट द एड्रेस रीड पते में लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट ये उसका पता है आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट आई टुक आउट द पेपर्स मैंने उस लेटर अर्थात पत्र को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट और इसे खोला आई टुक आउट द लेटर मैंने उस पत्र को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट और इसे खोला इट वॉज रिटन इन पेंसिल यह पेंसिल से लिखा हुआ था एंड डेटेड एट द टॉप और इसके ऊपरी सिरे पर तिथि लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914 इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914 यह पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपरी सिरे पर 26 दिसंबर 1914 तिथि लिखी गई थी इस जो दो क्लासेस में हमने पैराग्राफ को पढ़ा उस पर बेस्ड ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है जिसको आप लोग स्वयं लिखेंगे आज के लिए बस इतना ही आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू